यीशु ले लो ना परिणाम मेरा। इसी परिणाम के साथ सबसे पहले अनीता बहन के लिए दो लाइनें बोलूंगी कि मिले जो बालक हाथ फैलाए उन्हें कुछ खाब दो और अक्सर उनका भी भीख नहीं किताब दो। वे भी आगे पढ़ना चाहे हैं, पढ़ के ने आगे पढ़ना चाहे हैं, उन्हें कुछ नई सबक सिखा दो रे। पूरा राजस्थान और पूरा भारत देश शिक्षित हो जाएगा। अपने अपने क्षेत्र में एक एक अनीता बना दो रे, अपने अपने क्षेत्र में एक एक अनीता बना दो रे। इस सिड़ावा की धरती को नमन करते हुए जितने भी मेरे स्वामी, मेरे छोटे बड़े बहन भाई काके ताऊ बैठे हैं, उन्हें नमन करूं हूं। और आदमी वो ही होया करे है अपनी जिंदगी में आवे है, आदमी वो ही होया करे जो दूसरे का भी दुख जाने। आप सब के स्वामी हमारे हरियाणा की एक मिसाल, जिस शब्द ने देख के आप और मैं यू सोचा कि कोई उस शब्द बोला है तो वो गाली देवा है, लेकिन भाई अरशिकारा जे कोई उसने बाती कहा तो वो बड़ा प्राउड फील करे है, क्योंकि हमारी सैकड़ों बहनों की शादी, सैकड़ों बहनों के पाटड़े के ऊपर चढ़ना ये कोई छोटा काम नहीं होता। अपने लिए सब कमाते हैं, इंसान वही होता है जो दूसरों के लिए कमाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे हरियाणा के इस आन बान श्यान कहूंगी मैं तो, जिसने ये दिखाया कि यदि हम परिस्थितियां चाहे कोई भी हो, हम परिस्थितियों को ऊंचा उठा सकते हैं यदि मेहनत करें तो। हमारे शहीद किसानों के परिवारों से जितने भी साथी बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, वो माता पिता जिन्होंने अपने लाल खो दिए, जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए इस देश की खातिर, कि वो जवान मेरे देश का संग जिसका हथियार पड़े और कल छह थे आज 36 हो गए, रंगे खून तक बार पड़े। माता मांगे बेटा अपना, पत्नी प्यारा मांगे सह, बालक पूछे बापू कित बापू, पूछे कौन इसका हत्यारा सह, रही न गद्दारा तय लो बदला, एक के बदले दो मारो और जे आवा आगे तय 50 तो तम पूरी 100 मारो। क्योंकि जब एक किसान, जब एक जवान जावा है तो अकेला जवान नहीं जाता, बहुत सारे सपने जकना चूर हो जावा है और बहुत सारे उन भाइयों की आंखियां में पानी आवा है जो सपने पाल रहे हैं इस देश की रक्षा करने की खातिर। वरना 30-40-50 हजार की खातिर कोई अपनी जान गवा के राजी को नहीं। एक मां न्यू बोली का रास्ता आया, जब सब दिखाया गया, माँ तक हाथ न्यारा था, पांव न्यारा था, सिर न्यारा था और धड़ न्यारी थी, बोली साहब क्यों कर ले लियो आधा अधूरा शरीर, जब मेरा बेटा भर्ती करा था तो एक एक इंच माप के करा था और उस एक एक इंच की कीमत उस शहीद परिवार से पूछो जिसने अपना लाल इस देश की खातिर खपा दिया, गवा दिया, जिसने अपने सपने, अपनी उम्मीद और अपनी आशा इस देश की खातिर गवा दी। तो जमा झुके ने प्रणाम करूं तमाम परिवारों तक जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना आए हैं। और बेबे अनीता पुनिया का धन्यवाद करूं कि उन परिवारों को ये दिखाया कि आपके बेटे इस जान को खपा के नहीं गए हैं, आपके बेटे आपका नाम रोशन करके गए हैं और आपके बेटों के कारण आज आप प्राउड फील कर रहे हैं इस मंच के ऊपर खड़े होकर के। बेबे बाहू कौन लाग रही थी और बाहू को कहने को वह थी कि लोग आंगली उठावे हैं, बेबे जो घर पे निकला चाहे छोरा और चाहे छोरी और दोनों के ऊपर आंगली उठा कर, अकेली छोरी के ऊपर नहीं उठा करती तू तो फिर भी बालक बच्चा नहीं हो रही है, लेकिन मैं जब घर पे निकलू ना तो मेरे पीछे बिरानी के बात बन दी होगी, अकेली छोरी घर तक जावा पता नहीं के करके आती होगी के नहीं। लेकिन मैं ये कहूं कि आपकी सच्ची मेहनत वही है जिस दिन वो गाड़ियां ताड़ियों के अंदर बजेगी और लोग ये कहेंगे कि सीख लेनी है तो फलानी बेटी ते ले, सीख लेनी है तो अनीता ते ले, वो दिन दूर नहीं है। और इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं हमेशा कहती हूं उन बेटियों से कि इन बेटियों से सीख ले जो 18-18, 20-20 साल, 16-16, 17-17 साल की उम्र में जो इंस्टा पे आके नंगा नाच नचावे है, उन तक कहूं कि सीख ले अनीता जिस इन बेटियां ने भाई नाम कमाने के तरीके और भी बतेरे हैं कि नंगा नाच नचावन तक कदे नाम नहीं होता और भले घर की छोरी का यो काम नहीं होता, भले घर की छोरी का यो काम नहीं होता। फेसबुक चैनल बनाओ बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब चैनल बनाओ बहुत अच्छी बात है, हम भी यूज करते हैं, सारे करते होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन इस तरीके से बनाओ कि सरला पाठशाला के अंदर जब वार्षिक उत्सव किया गया तो उसके अंदर ऐसे ऐसी
हमारे जवानों के पिताओं का, हमारी माताओं का मान सम्मान किया गया जो इस देश के लिए अपनी जान गंवा के चले गए। वहां पर ऐसी बेटियों को और ऐसे बेटों को पढ़ाया जाता है जो अपनी उम्मीदें मार चुके हैं, जो अपने सपनों को गवा चुके हैं, जिनके माता पिता झुग्गी झोपड़िया में रह के ना टेम व्यतीत करने लग रहे हैं। यदि उनके बच्चे ने सपने दिखाने का कोई काम करे तो वह सरला पाठशाला करे। और जब भी ऐसे ऐसे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, आप पैसे पेशेंस मैम गाड़ी के अंदर बैठी थी देखने लग रही, थोड़ी सी बारिश आई तो सारे उठ के चल दिए। वो पेशेंस देखा करो जब एक किसान खेत के अंदर काम करा है, जब एक किसान खेत के अंदर काम करा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जेठ की तपती धूप हो और चाहे वो पो का पाड़ा हो, लेकिन फिर भी अपनी ड्योल पर बैठ के ना वो टेम बितावे है। याद कर लिया करो रोटी खाने से पहले उस अन्नदाता ने कि मेरे देश का किसान आज लगया खावण जहर गवार, बता रसोई नींद में क्यों चुप, सोई नींद में ना ली अंगड़ाई क्यों बैठी चुप सरकार, बता फुर्सत ना खावण नावण की और कपड़े लीरम लीर, पूरा एक भी ना होया खा पाई जीरम जीर, सूखा मारिया बाढ़ मार गई कदे बिजली का कट मार गया। और महाराज तो न्यू कहने लग रहे हैं कि हम बिजली नहीं देंगे सोलर लगवा लो। एक किसान जो इतनी मेहनत करे है कि सूखा मारी बाढ़ मार गया कदे बिजली का कट मार गया, कदे ऊर्जा व्यापारी तय कदे सरकार वाला बजट मार गया, हालात देख हथियार गेड़े मजबूर हो गया, ले देख ले आज मेरा किसान खेती से दूर हो गया। अंत में सिर्फ इतनी कहूंगी कि जो जज्बा जुनून हो जिसमें वो फूले नहीं समाते हैं और जो कुछ करने की ललक रखते हैं वो इतिहास रचाते हैं, शब्द शक्ति ऐसी बोलने से पहले तोलना, और जिस जिसने पिया हो अपनी माँ का दूध वही भारत माँ की जय बोलना। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शानदार, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है बहन से, और आप कार्यक्रम किसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए इस सरला पाठशाला का एक बच्चा आपके सामने इंग्लिश के अंदर स्पीच देगा। सर जेकी